आपसे जानना चाहेंगे, और इनकी मांगों को सुनने कोई अफसर नहीं पहुंचा, कोई आला अधिकारी नहीं पहुंचता मौके पर। जी बिल्कुल प्रज्वल, आपको बता दें कि ये जो सहायक अध्यापक है, इन्होंने जो प्रदर्शन किया था उसके बाद इनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ। विधानसभा घेरे में आज अपनी मांगों को लेकर इनका ये कहना था कि जो कटाप मेरिट है इसको घटाकर उसके बाद फिर जो है इनकी नियुक्ति की जाए, क्योंकि 68,500 में लगभग 30,000 की नियुक्ति की जा चुकी है, उसके बाद अभी करीब 800 लोग बचे हैं, उनकी नियुक्ति नहीं हुई है। तो इन्हीं सब मांगों को लेकर आज ये विधानसभा पर आए थे। उसके बाद आला अधिकारी की अगर हम बात करें तो एसीएम प्रथम मौके पर पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने कोई ज्ञापन नहीं लिया, ना अभ्यर्थी कोई बात की। उसके बाद अभ्यर्थी आक्रोशित हो गए, जिसके बाद पुलिस ने इन पर जमकर लाठियां बांटी, उसके बाद इनको अच्छा अरविंद, एक महत्वपूर्ण बात आपसे जानना चाहेंगे, क्या वाकई ऐसी परिस्थिति बन गई थी, क्या इतना उपद्रव कर रहे थे ये अभ्यर्थी कि लाठियां बांधनी पड़े पुरुष पर भी और महिलाओं पर भी? जी बिल्कुल, देखिए प्रज्वल कि इनमें जो आक्रोश है, अपनी नियुक्ति को लेकर आक्रोश से जहाँ की बात है, ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ घर वाले भी हमको ताने देने लगे हैं, इतने दिन हो गए तुम्हें नियुक्ति नहीं मिली। तो तमाम सारी ये चीजें थी जिसकी वजह से इनके मन में काफी आक्रोश था, जिसकी वजह से ये विधानसभा के इनमें जा रहे थे, उसके बाद बीजेपी कार्यालय की तरफ बढ़ रहे थे, उसके बाद पुलिस ने इन पर लाठियां बाजी है। जी, और फिलहाल यहाँ से हटा दिया गया है सबको अरविंद? जी बिल्कुल, यहाँ से पुलिस ने इनको ऑटो टेम्पो में भरकर चारबाग की तरफ भेज दिया गया, उसके बाद जो कार में बैठे थे उनको भी वहां से हटा। बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए अरविंद। और एक बड़ी खबर मेरठ से, मेरठ से बड़ी खबर, युवती का